मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता चलें कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दो समुदाय के बीच में आपसी विवाद में पुलिसकर्मी हुआ घायल। मामला है कुमायूं कॉलोनी का। गड्ढा कॉलोनी में दो समुदाय के बीच विवाद चलते हुए एक समुदाय द्वारा विगत दिनों में पूर्व पुलिस को तहरीर दी थी, जिसके पश्चात दोनों पक्षों को समझाने गए पुलिसकर्मी को एक समुदाय के लोगों ने मारपीट करना शुरू कर दी। इसके पुलिसकर्मी काफ़ी बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस फोर्स को सूचना मिलते ही फोर्स दल बदल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगा। इसकी एक महिला और चार अन्य लोगों को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। अन्य अज्ञात अपराधियों की पुलिस तलाश कर रही है। सर, 1.5 महीने से इनकी बातें सुन सुनकर मैं परेशान हो गया। सर, मैं अपना ही मकान होते साथ मैं अपना मकान बेचने को तैयार हूँ, किराए पे मकान ढूंढ रहा हूँ। 2 महीने से सरकार इतनी मदद दे रही है, मगर मेरे घर पे 1 किलो आटा नहीं आया। यहाँ पर एक सोनू लड़का रहता है, जिसे इस मोहल्ले की जिम्मेवारी सौंपी गई। उसने मेरे घर पे आके एक बार भी ये नहीं पूछा कि तू अपने परिवार को कैसे पाल लिया है। मेरी वाइफ 1 साल से पैरालाइज की पेशेंट है, अंदर पड़ी है, उसकी दवाई भी होनी है। मैंने अपने परिवार को भी पालना है। आज क्या हुआ? आज ये हुआ सर, रात ये लोग बैठे थे, मैं घर से बाहर निकल के हाथ जोड़ के गया। मैंने आपको पहले भी समझाया है, आप ये चारपाई यहाँ पे मत डालो, तो कह रहे हैं मेरा दरवाजा है, जिसकी इच्छा हो वो रोक ले। तो उस समय भी इन्होंने मेरे ऊपर हमला करा, तो मैंने प्रतापपुर चौकी में यहाँ से फ़ोन करा, वहाँ से मेहता आया, मेहता भैया ने आके इनको डांट दिया। फिर रात को मैं फिर जब इन्होंने मीटिंग बनाई मेरे खिलाफ, तो मैं फिर थाने में गया सर, तो वहाँ से 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने फिर मेरे खिलाफ, मतलब उन लोगों के खिलाफ डांट के गए। आज सुबह मैंने तहरीर दी है वहाँ पर, तो मेहता आए, फिर मतलब मैं वहाँ पर थाने में अपनी तहरीर दे रहा था, यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हो रहे थे। जब घर आया तो आकर सर अली खान माने सर, इसका बड़ा लड़का बोला कि जितने हिंदू हैं सबकी कब्रें खोदूंगा सालों की। और जब ये सब लोग इकट्ठे हुए तो मैंने अपने दरवाजे बंद कर लिए, तो इन्होंने ईंटे पत्थर, अफसर अली की एक बहू है, लेडीज मॉडर्न लेडीज है, उसने अपने कपड़े खुद फाड़ कर, यहाँ पर जिसकी वीडियो मेरे पास है, उसने अपने कपड़े फाड़ कर मेहता को पकड़ा कि मुझे छेड़ रहा है, पुलिस वालों ने मुझे मारा है। खुद अपने कपड़े फाड़ कर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया और मेहता को इतना मारा है कि सर अगर आज उसे आगे जाके नहीं बचाया जाता तो उसकी जान चली जाती उस बेचारी की। उसकी गलती केवल इतनी है कि वो प्रशासन की तरफ से मेरी मदद करने आया था और इन लोगों ने उसके साथ ऐसा करा। अभी 2-4 लोग और हैं मुसलमान परिवार जो हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है। एजुकेशन इज अ पैशन।